आवाज यस आ सर, रही आवाज है? आ रही। ओके, ये शेयरिंग नजर आ रही है चैप्टर सिक्स यस की। सर, नजर आ रही। ओके, हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारा चैप्टर सिक्स था उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो अब जो 3D प्रॉब्लम्स हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो पार्ट है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये मिड टर्म के अंदर नहीं होगा। ओके, ये आप लोगों का मिड टर्म के बाद का कोर्स है। तो मिड टर्म का कोर्स खत्म हो गया है 8 वीक के लिए, यस सर। अंडरस्टैंड? ओके, 3D प्रॉब्लम्स इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आप लोग जानते हो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो आर थीटा एंड फाई है, जिसको हमने करना है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, हियर वी स्टडी द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल आप लोग पढ़ चुके हो, ऐसा पोटेंशियल है जो ओनली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ आर, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल पोटेंशियल। तो इसको आप सेंट्रल पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, लेट अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ स्फीयर। एक बॉडी मूव कर रही है और वो अटैच्ड है एक बड़ी बॉडी के साथ। तो इसके एग्जांपल ऐसे है जैसे आप लोगों ने रस्सी के साथ एक पत्थर को बांध दिया और उसको सर्कुलेट करवाते हो स्फीयर में या सर्कुलर मोशन में। तो उसके दरमियान डिस्टेंस होता है जिसको आप आर कहते हो। तो वो कहता है कि लेट अ बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ स्फीयर, अ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड और अवे फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स। तो बेसिकली आगे वो चल के बताएगा, यही जो सेंट्रल फोर्स है ये आप लोगों की वही पोटेंशियल जनरेट करती है। सो वी ऑफ आर बी द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाई अ सेंट्रल फोर्स, और वो फोर्स जो उन दो बॉडीज के दरमियान में है। हियर आर इज द रेडियस वेक्टर। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन दिस पोटेंशियल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम जो कहते हैं कि हमारी जो पार्टिकल की दो बॉडीज के दरमियान मोशन है वो एक टाइम इंडिपेंडेंट 3D श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके अंदर एक नई चीज है और वो है म्यू, क्योंकि दो बॉडीज हैं, दो मासेज हैं, तो आपके पास म्यू जो है उसको रिड्यूस मास कहते हैं। तो इक्वेशन है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 म्यू डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई, वेयर म्यू इज द रिड्यूस मास एंड कैन बी रिटन एज म्यू इज इक्वल टू एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। सो इन अबव इक्वेशन द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम कैन बी रिटन एज H इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 म्यू डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब बेसिकली हमने अपने हैमिल्टोनियन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। तो जो जो डेल स्क्वायर है इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों ने निकाली हुई है। देन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल इन दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एच ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 म्यू इनटू 1 ओवर आर स्क्वायर इनटू 1 कर्ल ओवर कर्ल आर, आर स्क्वायर कर्ल ओवर कर्ल आर ब्रैकेट प्लस 1 ओवर साइन थीटा इनटू कर्ल ओवर कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल ओवर कर्ल थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 ओवर साइन थीटा इनटू कर्ल स्क्वायर ओवर कर्ल फाई स्क्वायर। ये जो बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये है, ये सारा का सारा आप लोगों का 1 ओवर आर से लेके ये डेल स्क्वायर की वैल्यू है। अगर पीछे लेक्चर में जाके देखें तो ये कैलकुलेटेड है प्लस वी ऑफ आर। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है या मॉडिफाई किया है, तो ये बनी है, इसके तीन टर्म्स बना लिए मैंने, बेसिकली चार टर्म्स हैं एक वी ऑफ आर की। तो पहली टर्म बन रही है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2 म्यू इनटू 1 ओवर आर स्क्वायर इनटू कर्ल ओवर कर्ल आर स्क्वायर कर्ल ओवर कर्ल आर ब्रैकेट क्लोज
minus h cut square over 2 mu into 1 over r square into 1 over sine theta curl over curl theta bracket sine theta curl over curl theta bracket close plus 1 over sine square theta into curl square over curl phi square plus v of r. So this is the Hamiltonian in spherical polar coordinates in r, theta and phi. Okay. This can also be written as Hamiltonian h is equal to minus h cut square over 2 mu r square into ये जो बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट नजर आ रही है कर्ल ओवर कर्ल आर आर स्क्वायर कर्ल ओवर कर्ल आर बड़ी ब्रैकेट क्लोज प्लस एल स्क्वायर थीटा एंड फाई ओवर टू म्यू आर स्क्वायर. इसके बाद जो ब्रैकेट है ये नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा प्लस वी ऑफ आर. ओके, वेयर एल स्क्वायर बेसिकली इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर इंटू वन ओवर साइन थीटा इंटू कर्ल ओवर कर्ल थीटा sin theta curl over curl theta plus 1 over sin square theta into curl square over curl phi square. तो ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो ये ऊपर वाले आ जाएगा. और l square कहां से आया है, यू हैड ऑलरेडी कैलकुलेटेड. ये एक असाइनमेंट भी थी कि l square को एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लाया जाए. ओके, सो द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन in this case can be written as by putting the value of del square one will get 1 over r square into curl over curl r r square curl psi over curl r minus l square into theta and phi divided by r square h cut square into psi minus 2 mu over h cut square v minus e into psi is equal to 0. To ye aap logon ki टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर है. अब बेसिकली साई जो है वो आप लोगों का आर थीटा एंड फाई पे डिपेंडेंट है, तो हम उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और उसके क्वांटम नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम. तो मैंने अपने जो टोटल साई है which is a function of r theta and phi can be written as r n l of r f l m theta and phi. There are two parts, one is dependent on r and other function is dependent on theta and phi. Then my Schrodinger wave equation will become 1 over r square into d over dr into r square dr over dr into f minus r over r square into h cut square l square f minus 2 mu over h cut square v minus e into r f is equal to 0. इनमें दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जरा देखें. पहली टर्म के अंदर, पहली टर्म को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही. ओके, पहली टर्म के अंदर जो मैंने डेरिवेटिव लिया है वो कैपिटल r का लिया है, f को डेरिवेटिव से बाहर रख दिया, उसकी क्या वजह है, कोई बता सकता है? सर क्योंकि वो थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है इसलिए कांस्टेंट है. राइट, पहली टर्म के अंदर ओनली जो डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ आर पे डिपेंडेंट है, थीटा एंड फाई पे नहीं है. तो एफ इस सूरत में पहली टर्म के अंदर कांस्टेंट होगा. दूसरी टर्म के अंदर r कांस्टेंट है, l स्क्वायर किस पे अप्लाई हो रहा है, किस फंक्शन पे है? l स्क्वायर अप्लाई हो रहा है f पे, क्योंकि l स्क्वायर की वैल्यू देखें अगर आप लोग तो वो टोटली डिपेंडेंट है थीटा एंड फाई पे, तो इसलिए f जो है वो थीटा एंड फाई का डिपेंडेंट है, तो l स्क्वायर f पे अप्लाई होगा, r इस सूरत में कांस्टेंट होगा. देन इट विल बिकम माइनस 2 म्यू. तो इस तरह है. फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने डिवाइडेड बाई आर एफ कर दिया है ऑन बोथ साइड. अगर आप डिवाइड कर दो तो पहली टर्म बनेगी 1 ओवर कैपिटल आर इनटू आर स्क्वायर डी ओवर डी आर इनटू आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर माइनस 1 ओवर आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर एफ एल स्क्वायर एफ. तो पहली टर्म के अंदर एफ कैंसिल हो जाएगा, दूसरी टर्म के अंदर आर कैंसिल हो जाएगा और आखिरी टर्म के अंदर आर और एफ तीनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे. देन आगे मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कुछ आएगा 1 ओवर आर डी ओवर डी आर इनटू आर स्क्वायर डी कैपिटल आर ओवर डी आर माइनस 2 म्यू आर
स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर इनटू वी माइनस ई एफ। तो ये बन गई है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद। तो बेसिकली दो साइड्स हैं लेफ्ट एंड राइट, तो मैं ये करने लगा हूं कि लेफ्ट एंड राइट को एक अननोन कांस्टेंट के बराबर रखता हूं दोनों को। वो और इस सी को साइड आईडी 1 ओवर कैपिटल आर डी ओवर डी आर आर स्क्वायर इनटू डी आर ओवर डी आर माइनस 2 म्यू आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर इनटू वी माइनस ई इज इक्वल टू सी। दिस इज कॉल्ड रेडियल इक्वेशन से कह सकते हो, बट सी साथ में एगन वैल्यू आई है, यही है ना। तो इन दिस केस एफ इज कॉल्ड द आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर। इट मींस दैट एफ इज एन आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर विद आइगन वैल्यू सी कट स्क्वायर वी हैव सी इज इक्वल टू एल इनटू एल प्लस 1। तो इन दोनों को कंपेयर करो तो आप लोगों को सी की वैल्यू मिलेगी और एफ की भी वैल्यू मिलेगी, बिकॉज वी नो दैट द आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर। अगर लास्ट दो लेक्चर देखो तो वहां पे आप लोगों ने आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर निकाले हैं और वो कहलाते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। The eigenfunctions of L square are the spherical harmonics, which can be written as y l m theta and phi is equal to square associated Legendre polynomial p l m। तो वो बनेगी c l m 1 minus xi square power m by 2 dm over d xi m pl of xi e raised power iota m phi, and xi हमें पता है किसके बराबर है, cos of theta के। ये हमने last calculate कर लिया है, okay? और m जो है magnetic quantum number plus minus l के बराबर होता है। तो इससे ये पता चला कि f theta and phi basically किस चीज के बराबर है, y l m theta and phi के। Hence the angular part is simply the spherical harmonics। तो इस angular equation को जो ये इस पेज से स्टार्ट हो रही है, इसको सॉल्व करने से दो चीजें मिली हैं, एक c की वैल्यू, c की वैल्यू जो है वो है l into l plus 1, और एक आप लोगों को f की वैल्यू मिल गई है, f वैल्यू है वो y l m के बराबर है। अब हमें सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करनी है टोटल वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वो है कैपिटल R। रेडियल वेव इक्वेशन से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, लेट्स सी कि रेडियल पार्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो नाउ ट्राई टू सॉल्व द रेडियल पार्ट। रेडियल वेव इक्वेशन क्या है, इज ऑफ द फॉर्म 1 ओवर आर डी ओवर डी आर इनटू आर स्क्वायर डी आर ओवर डी आर माइनस 2 म्यू आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर इनटू वी माइनस ई इज इक्वल टू सी। Where c is equal to l into l plus 1. So, ये हमने अभी calculate किया है. Therefore, the equation will become d over dr, r से multiply भी कर दिया है मैंने. तो d over dr r square into dr over r minus 2 mu over 2 mu r square
over h cut square into v minus e into r is equal to l into l plus 1 into r. Let us define the capital R. ये जो capital R radial function आपको नजर आ रहा है r of r, तो इसको मैं रख रहा हूँ u of r over r. तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह करूंगा, आप लोगों को याद होगा कि अगर पार्टिकल न्यूक्लियाई के करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पोटेंशियल एनर्जी वो स्ट्रांग होती है उनकी अट्रैक्शन. अगर जो जो आर बढ़ता जाएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है. तो ये बेसिकली कैपिटल आर ऑफ आर विच इज कॉल्ड रेडियल पार्ट इज इक्वल टू यू ऑफ आर, यू पोटेंशियल एनर्जी है ओवर आर. ओके, By putting the value of R, one will get like that. तो ये derivative भी मैंने साथ पहली term के अंदर derivative था वो भी calculate कर लिया है. तो ये आएगा d over dr into r square, then छोटी bracket minus mu over r square plus one over r into du over dr, then bracket close. आगे terms वही आई हैं, minus two mu r square over h cut square into v minus e into u over r. माइनस एल इंटू एल प्लस वन यू ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो आर स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये पहली टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी डी ओवर डी आर इंटू माइनस यू प्लस डी आर डी यू ओवर डी आर माइनस टू म्यू आर स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू वी माइनस ई यू ओवर आर माइनस एल इंटू एल प्लस वन यू ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके, ये पहली टर्म को ये साइड पे मैंने सॉल्व किया हुआ है डेरिवेटिव लेके सब कुछ करके, कुछ जो का टर्म कैंसिल हो रही हैं और फाइनल आंसर मैंने लिखा हुआ है आर डी टू यू ओवर डी आर स्केयर माइनस टू म्यू आर स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू वी माइनस ई यू ओवर आर माइनस एल इंटू एल प्लस वन यू ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके, इस पेज की जो लास्ट इक्वेशन है इसको मैंने इस तरह किया है कि आर पे डिवाइड कर दिया, सबको आर पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर और ये नेगेटिव साइन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, जो वी माइनस ई था वो ई माइनस वी हो गया है प्लस टू म्यू ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू यू माइनस एल इंटू एल प्लस वन ओवर आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से R पे मल्टीप्लाई कर दिया, R पे डिवाइड कर दिया. तो ये रेडियल वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस टू म्यू ओवर एच कट स्क्वायर इनटू ई माइनस वी इफेक्टिव इनटू यू इज इक्वल टू जीरो. ओके, तो ये वी इफेक्टिव कहां से आया? वी इफेक्टिव बेसिकली इज इक्वल टू वी प्लस एच कट स्केयर ओवर टू म्यू इंटू एल इंटू एल प्लस वन ओवर आर स्केयर. ये दोबारा वैल्यू पुट करो तो ऊपर वाली इक्वेशन, उससे ऊपर वाली इक्वेशन ये दोबारा आपको रिप्रोड्यूस हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव पोटेंशियल विच इज बेसिकली सम ऑफ द गिवन पोटेंशियल वी, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड अ सेंट्रीफ्यूगल और रिपल्सिव पोटेंशियल एच कट स्केयर ओवर टू म्यू इंटू एल इंटू एल प्लस वन ओवर आर स्केयर के बराबर है. ओके, अब देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर L इज इक्वल टू जीरो है तो V इफेक्टिव बेसिकली V के बराबर होगा, ये V इफेक्टिव इज इक्वल टू V हो जाएगा, L जीरो तो सारी दूसरी टर्म प्लस वाली जीरो हो जाएगी. तो इन द केस ऑफ एटम V ऑफ R इज द कूलम पोटेंशियल रिजल्टिंग फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई. फॉर द आइगन वैल्यू इक्वेशन टू डिस्क्राइब द ग्राउंड स्टेट द पोटेंशियल V ऑफ R मस्ट बी अट्रैक्टिव बिकॉज ये जो दूसरी टर्म है ये रिपल्सिव है, इसको हमने रिपल्सिव फोर्स का नाम दिया है. क्यों रिपल्सिव फोर्स का नाम दिया है वो जरा देखें नीचे. अगर आप इस फिगर के देखें, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इफ एल इज इक्वल टू जीरो तो ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये टोटल की टोटल नेगेटिव है. इट मीन व्हेन एल इज इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन देयर इज अ टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई. कोई पॉजिटिव टर्म नहीं आई, बट एज एल इज इक्वल टू वन एल इज इक्वल टू टू एल इज इक्वल टू थ्री तो कुछ पॉजिटिव टर्म भी आ रही है बट उनका ओरिजिन जो है वो नेगेटिव ही है. तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. दिस फिगर शो दैट एज एल इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ द वी इफेक्टिव डिक्रीजेज एंड इट्स मिनिमम मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन. तो यही होता है
जो जो एल बढ़ता है पार्टिकल एस पी डी शेल में जाता है और आप लोगों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और वो जो कम हार्मोनिक्स द आइगन फंक्शंस ऑफ एल स्क्वायर आर द स्फेरिकल हार्मोनिक्स व्हिच कैन बी रिटन एज वाई एल एम थीटा एंड फाई इज इक्वल टू सी एल एम पी एल एम ऑफ कॉस थीटा ई रेज पावर योटा एम फाई. ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी एल स्क्वायर के आइगन फंक्शन व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एल एम तो वो बनेगी सी एल एम वन माइनस जाई स्क्वायर पावर एम बाय टू डी एम ओवर डी जाई एम पी एल ऑफ जाई ई रेज पावर योटा एम फाई एंड जाई हमें पता है किसके बराबर है कॉस ऑफ थीटा के. ये हमने लास्ट कैलकुलेट कर लिया है. ओके और एम जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस माइनस एल के बराबर होता है. तो इससे ये पता चला कि एफ थीटा एंड फाई बेसिकली किस चीज के बराबर है वाई एल एम थीटा एंड फाई के. हिंस द एंगुलर पार्ट इज सिंपली द स्फेरिकल हार्मोनिक्स. तो इस एंगुलर इक्वेशन को जो ये इस पेज से स्टार्ट हो रही है इसको सॉल्व करने से दो चीजें मिली हैं. एक सी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो है वो है एल इंटू एल प्लस वन और एक आप लोगों को एफ की वैल्यू मिल गई है. एफ वैल्यू है वो वाई एल एम के बराबर है. अब हमें सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करनी है टोटल वेव फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वो है कैपिटल आर. रेडियल वेव इक्वेशन से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ओके लेट्स सी कि रेडियल पार्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. सो नाउ ट्राई टू सॉल्व द रेडियल पार्ट. रेडियल वेव इक्वेशन क्या इज ऑफ द फॉर्म 1 ओवर r d ओवर डी आर इंटू आर स्क्वेयर डी आर ओवर डी आर माइनस 2 म्यू आर स्क्वेयर ओवर एच कट स्क्वेयर इंटू वी माइनस ई इज इक्वल टू सी वेयर सी इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1. तो ये हमने अभी कैलकुलेट किया है. देयरफॉर द इक्वेशन विल बिकम d ओवर डी आर, आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया है मैंने, तो d ओवर डी आर आर स्क्वेयर इंटू डी आर ओवर आर माइनस 2 म्यू ओवर 2 म्यू आर स्क्वेयर और एच कट स्क्वायर इनटू वी माइनस ई इनटू आर इज इक्वल टू एल इनटू एल प्लस 1 इनटू आर. लेट अस डिफाइन द कैपिटल आर. ये जो कैपिटल आर रेडियल फंक्शन आपको नजर आ रहा है आर ऑफ आर, तो इसको मैं रख रहा हूं यू ऑफ आर ओवर आर. तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इस तरह करूंगा, आप लोगों को याद होगा कि अगर पार्टिकल न्यूक्लियाई के करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या पोटेंशियल एनर्जी वो स्ट्रांग होती है उनकी अट्रैक्शन. अगर जो जो आर बढ़ता जाएगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है. तो ये बेसिकली कैपिटल आर ऑफ आर विच इज कॉल्ड रेडियल पार्ट इज इक्वल टू यू ऑफ आर, यू पोटेंशियल एनर्जी है ओवर आर. ओके बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर वन विल गेट लाइक दैट. तो ये डेरिवेटिव भी मैंने साथ पहली टर्म के अंदर डेरिवेटिव था वो भी कैलकुलेट कर लिया है. तो ये आएगा डी ओवर डी आर into r square then छोटी bracket minus mu over r square plus 1 over r into du over dr then bracket close. आगे terms वही आई हैं minus 2 mu r square over h cut square into v minus e into u over r minus l into l plus 1 u over r is equal to 0. okay तो आर स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये पहली टर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी डी ओवर डी आर इंटू माइनस यू प्लस डी आर डी यू ओवर डी आर माइनस टू म्यू आर स्केयर ओवर एच कट स्केयर इंटू वी माइनस ई यू ओवर आर माइनस एल इंटू एल प्लस वन यू ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके ये पहली टर्म को ये साइड पे मैंने सॉल्व किया हुआ है डेरिवेटिव लेके सब कुछ करके कुछ जो का टर्म कैंसल हो रही हैं और फाइनल आंसर मैंने लिखा हुआ है आर डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर माइनस टू म्यू आर स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर इनटू वी माइनस ई यू ओवर आर माइनस एल इनटू एल प्लस वन यू ओवर आर इज इक्वल टू जीरो. ओके इस पेज की जो लास्ट इक्वेशन है इसको मैंने इस तरह किया है कि आर पे डिवाइड कर दिया, सबको आर पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर और ये नेगेटिव साइन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है जो v माइनस e था वो e माइनस v हो गया है प्लस 2 म्यू ओवर h कट स्क्वायर इनटू e माइनस v इनटू u
माइनस एल इंटू एल प्लस वन ओवर आर स्क्वायर इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आर पे मल्टीप्लाई कर दिया, आर पे डिवाइड कर दिया। तो ये रेडियल वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई है। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी टू यू ओवर डी आर स्क्वायर प्लस टू म्यू ओवर एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इफेक्टिव इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये वी इफेक्टिव कहां से आया? v effective basically is equal to v plus h cut square over 2 mu into l plus 1 over r square। ये दोबारा वैल्यू पुट करो तो ऊपर वाली इक्वेशन, उस ऊपर वाली इक्वेशन ये दोबारा आपको रिप्रोड्यूस हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव पोटेंशियल विच इज बेसिकली सम ऑफ द गिवन पोटेंशियल v, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एंड अ सेंट्रीफ्यूगल और रिपल्सिव पोटेंशियल h cut square over 2 mu into L plus 1 over R square के बराबर है। Okay, अब देखें ये बड़ा interesting है। अगर L is equal to 0 है, तो V effective basically V के बराबर होगा। ये V effective is equal to V हो जाएगा। L 0 तो सारी दूसरी term plus वाली 0 हो जाएगी। तो in the case of atom, V of R is the Coulomb potential resulting from the attractive forces between the electron and the nuclei. For the eigenvalue equation, to describe the ground state, the potential V of R must be attractive because ये जो दूसरी टर्म है ये repulsive है, इसको हमने repulsive force का नाम दिया है। क्यों repulsive force का नाम दिया है वो जरा देखें नीचे। अगर आप इस फिगर के देखें, इस फिगर को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इफ L इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये टोटल की टोटल नेगेटिव है। इट मीन वेन L इज इक्वल टू जीरो, N इज इक्वल टू वन principal quantum number, then there is a total force of attraction between electron and nuclei, koi positive term nahi aayi, but as l is equal to 1, l is equal to 2, l is equal to 3, to kuch positive term bhi aa rahi hai, but unka origin jo hai wo negative hi hai. To isko thoda sa padh lete hain. This figure show that as l increases, the depth of the v effective decreases and its minimum moves further away from the origin. To yahi hota hai, जो जो एल बढ़ता है पार्टिकल एस पी डी शेल में जाता है और आप लोगों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और वो जो कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दूसरे लफ्जों में वी इफेक्टिव के अंदर जो रिपल्सिव टर्म है वो बढ़ती है और वो पॉजिटिव टर्म देखें थोड़ा सा ऐड हो जाती है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जेटली की बुक से पढ़िएगा, बहुत अच्छी रीडिंग है इसकी, जरूर पढ़िएगा। द फर्दर द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन द लेस बाउंड इट विल बी। This is due to the fact that as the particle angular momentum increases, यानी L की value बढ़ती जाएगी, particle के shell का radius बढ़ता जाएगा, the particle angular momentum increases, the particle become less and less bound. तो जो जो S P D F में जाता जाएगा वो particle nuclei से दूर होगा, R की भी value बढ़ेगी और आप लोगों के पास repulsive potential बढ़ेगा और force of attraction कम होगी। ये उसका मेन पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट था। तो बेसिकली हमने रेडियल वेव इक्वेशन ये जो है इसको सॉल्व करना है, और कल लेक्चर होगा इसमें मैं इसको सॉल्व करूंगा। परसों चलो आप लोगों को छुट्टी होगी, कल छुट्टी नहीं है मिड टर्म की तैयारी के लिए, कल मॉर्निंग वालों को भी मैंने पढ़ाना है और आप लोगों को भी। ये रेडियल वेव फंक्शन हमने खत्म करना है, ये टॉपिक जो है यहाँ पे नजर जो आ रहा है आप लोगों को। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछे। जी हेलो, यस सर, कोई यहां तक क्वेश्चन है तो पूछे। चलें ठीक है, कल क्लास होगी, परसों नहीं होगी आप लोगों की, कल लाजमी होगी। ठीक है सर।